नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। वर्ल्ड कप 2023 में एक तरफ भारतीय टीम लगातार मैच जीतती हुई आ रही थी। फाइनल से पहले टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में लगातार 10 मैच जीते थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो प्रदर्शन था वो बेहद खराब रहा। पाकिस्तान की टीम टॉप फोर में भी जगह बनाने में कामयाब नहीं रही और सेमीफाइनल से पहले ही वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गई। लेकिन भारत जैसे ही मैच जीतता था वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ऊट पटांग से बयान आने शुरू हो जाते थे। टीम इंडिया वहां मैच जीतती और इधर पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं चाहे पाकिस्तान के फैंस हैं वो लगातार कभी पिच पर सवाल उठाते थे, कभी गेंद को लेकर सवाल उठाते थे कि जब टीम इंडिया गेंदबाजी करती है तो गेंद बदल जाती है, पिच बदल जाती है। ऐसे बहुत सारे सवाल उठाए जाते थे पाकिस्तान द्वारा। लेकिन जब मेजबानी की बात आई तो अब पाकिस्तान को खुद को भी डर लग रहा है। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के हाथ में ही है। बहुत लंबे अरसे से कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान में आयोजित हुआ नहीं है। इसी वजह से आपको याद होगा 2011 में भी जो वर्ल्ड कप था वो इंडिया और बांग्लादेश की संयुक्त मेजबानी में खेला गया था। अब पाकिस्तान बड़े ही कोशिशें कर रहा है कि कोई ना कोई आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान के पास आए, लेकिन अब ऐसा होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सूत्रों की माने और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाती है तो उसे भी या तो हाइब्रिड मॉडल में करवा दिया जाएगा या फिर उसे पूरी तरीके से यूएई में शिफ्ट करवाया जा सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी मार्च 2025 में खेली जानी है, जहां पर दुनिया की बहुत सारी टीमें जो है खेलने आने वाली हैं। अब पहले तो इसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन एशिया कप 2023 की मेजबानी भी पाकिस्तान के पास ही थी। लेकिन जैसे ही टीम इंडिया ने पाकिस्तान जाकर खेलने से मना किया तो इसे हाइब्रिड मॉडल में करवाने पर सहमति बनाई गई थी। टीम इंडिया ने अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेले थे और फाइनल मुकाबला भी श्रीलंका में ही खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने जीत दर्ज करके एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था। अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी अभी काफी ज्यादा दूर है, लेकिन अभी से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी आईसीसी से बातचीत करने में जुट गए हैं कि कैसे न कैसे भी करके पाकिस्तान में ही मेजबानी रखी जाए। वहीं अभी तक भारतीय सरकार और बीसीसीआई ने इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगी या फिर नहीं जाएगी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि अगर टीम इंडिया नहीं जाएगी तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी जो है वो पाकिस्तान के हाथ से चली जाएगी। या तो एशिया कप की तरह हाइब्रिड मॉडल होगा या फिर यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि खेल जगत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन स्पोर्ट्स।